ओके, आई होप अभी आवाज़ आ रही है सो गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम ऑल टू आई एफ एस यूट्यूब लाइव सेशंस सॉरी फॉर द डिले थोड़ा टेक्निकल इशू था बट आई होप अभी सभी को आवाज़ आ रही होगी ओके सो गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग सोनिया प्रियंका मोनल माया प्रजक्ता अश्वनी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग एवरी वन एज यू ऑल नो कि अभी करेंटली गेट लाइसेंस साइंस के रिगार्डिंग यहाँ पे लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो गई है पिछले वीक से ही एंड uh, जो पेपर वाइज सब और टॉपिक वाइज जो सब uh, हम बोल सकते हैं पांच पेपर्स या इवन चार पेपर्स प्लस जो टॉपिक है उसके ऊपर एक अच्छे से हमने आ, हम बोल सकते पेपर वाइज सारे टॉपिक्स को कवर किया है फिर भले वो माइक्रोबायोलॉजी हो या इवन बॉटनी हो या इवन बायो हो आज जोलॉजी की बारी है एंड वापस वही मैं मंडे को कंटिन्यू करूंगा एंड फाइनली उसके बाद लास्ट में सर का वापस रहेगा ओके एवरी वन थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग तो आज के सेशन में जो सुओलॉजी पेपर में से एक सेक्शन है दट इज एनिमल फिजियोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी में से एक टॉपिक है नॉन एज एंडोक्राइनोलॉजी उसके बारे में हम बात करेंगे ओके तो एंडोक्राइनोलॉजी या हम बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ हॉर्मोन्स एंड दर एक्शन राइट द स्टडी ऑफ हॉर्मोन्सिकेशन एंड दर एक्शन ये ऐसा टॉपिक है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपको याद रखना रहेगा रेदर देन कंसेप्चुअल चेक ठीक है एनिमल फिजियोलॉजी में तीन चार टॉपिक ऐसे रहेंगे जैसे मान लो न्यूरॉन हम बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम हो गया या इवन हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें कंसेप्चुअल पार्ट ज़्यादा रहता है बट एंडोक्राइनोलॉजी ऐसी चीज़ है जहां पे हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलरली uh, आपका मेमोरी टेस्ट होगा आपको कुछ थर्टी से फोर्टी हॉर्मोन्स के नाम एज वेल एज उसके टारगेट साइट हो गई और उसके फंक्शंस आपको याद रखने हैं तो एज फार एज गेट लाइफ साइंस द पेपर ऑफ गेट लाइफ साइंस इज कंसर्न मोस्टली क्वेश्चन आते हैं द वी कैन से फंक्शन ऑफ हॉर्मोन्स पे ठीक है हॉर्मोन का क्या फंक्शन है उसमें ज्यादा फिर हम बोल सकते हैं कि एनाटोमी पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे हैं इनफेक्ट एनाटोमी पे तो सच कोई क्वेश्चन पूछे ही नहीं है कि भाई ये हॉर्मोन जो यहाँ से रिलीज अगर हो रहा है तो वो कहाँ पे पाया जाता है नॉट लाइक दैट ठीक है सो गुड इवनिंग अगेन तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को दैट इज एंडोक्राइनोलॉजी ये दो पार्ट में हम कवर करेंगे पूरे एंडोक्राइनोलॉजी को हम अगेन हम बोल सकते हैं दो मेन पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं एक पार्ट होगा द हॉर्मोन्स रिलेटेड टू द हॉर्मोन्स रिलेटेड टू द हम बोल सकते हैं नॉर्मल एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा रहेगा रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी जो एक पूरा अलग ही सेशन होगा पूरा अलग ही सेशन रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी का जहां पे प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन लुटेनाइजिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिम्यूलेटिंग हार्मोन हो गया राइट right? ये जो चार हार्मोन मतलब हमने बोले दैट इज गोनेडोट्रोपिन एज वेल एज द टू हार्मोन्स दैट इज इस्ट्रोजन प्रोजेस्टोरॉन या वेन मेल में टेस्टोर एन एंड्रोजन हो गए हार्मो डिफरेंट हार्मो फ्रॉम द टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कोई मुझे एग्जाम्पल बता सकता है टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का एंडोक्राइन ग्लैंड पे हम आते हैं बाद में बट कोई मुझे एग्जाम्पल बता सकता है टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का यस गुड इवनिंग एवरी वन ओके गेट बीटी के लिए एस सच ये इतनी हेल्पफुल नहीं रहेगी गेट बीटी में इतना डिटेल में एंडोक्राइनोलॉजी नहीं कभी पूछा जाता है ये गेट लाइफ साइंस के जुअलॉजी पेपर से रिलेटेड है गुड इवनिंग भार्गवी यस कोई मुझे बताएगा व्हाट इज टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड टेम्पररी ओके आनंद बोल रहे थेमस ओके फाइन सोनिया बोल रहे पीनियल ग्लैंड ठीक है पीनियल ग्लैंड टेम्पररी कैसा होगा कोई मुझे लॉजिक बताएगा हाउ इज इट टेम्पररी गायत्री बोल रहे हैं कॉर्पस लुटियन हर अक्षा ये आईसीएमआर के लिए तो बेनिफिशियल है ही ओके okay, शुभ दर्शनी बोल रहे प्लेसेंटा ओके okay, तो यहाँ पे जो प्लेसेंटा हो गया या हम कॉर्पस लूटियम बोले या इवन थाइमस बोले वो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड में आएंगे ओके okay? टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड में आएंगे क्यों क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए ही हॉर्मोन सिक्रिएट करते हैं एंड देन दे गेट वी कैन से दे बिकम नॉन फंक्शनल इसलिए उसको हम टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी के सबसे पहले हॉर्मोन के डेफिनेशन से ठीक है हॉर्मोन के डेफिनेशन के बाद हम उसके पर्टिकुलरली बात करेंगे कि कैसे वो वर्क करेगा कौन कौन से हॉर्मोन्स रहेंगे तो अभी हॉर्मोन के डेफिनेशन की पहले हम बात करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी में ओके okay? यस करेक्ट प्लेसेंटा एंड कॉर्पस लूटियम आर द टेम्पररी एंडोक्राइन टेम्पर ओके कैसे होगा वो मैं बताता हूं? पहले हम हार्मोन के बारे में जान लेंगे व्हाट इज हार्मोन और यहाँ पे फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप भले गेट लाइफ साइंस के लिए अगर प्रिपेयर करो या कोई दूसरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड चीज होती है एक स्टैंडर्ड हमने बोल सकते हैं कि 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 एक पैटर्न रहता है उसके ऊपर ही ज्यादा पूछे जाते हैं right? जैसे कुछ 35 से 40 ऐसे रहेंगे कि जिसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे राइट देर आर मैनी मैनी हार्मोन्स आउट ऑफ थर्टी फाइव नॉट ओनली थर्टी फाइव टू फोर्टी बट मैनी हॉर्मोन्स बट हमें जो फोकस करना है वो कुछ पर्टिकुलर हारमोन्स पे ही फोकस करना है और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि गेट लाइफ साइंस के लिए इतना डिटेल में नहीं रहेगा जितना नेट लेवल पे रहेगा सो so दैट हम उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चलेंगे ठीक है so, तो यहाँ पे हम हॉर्मोन्स के डेफिनेशन की बात कर रहे हैं पहले वॉट आर हॉर्मोन्स राइट तो एनिमल फिजियोलॉजी में हर एक ऑर्गन सिस्टम का कुछ ना कुछ रोल होता है जैसे लंग्स का कुछ रोल होगा जिसकी वजह से अच्छे से रेस्पिरेशन या हम बोल सकते हैं इन्हेलेशन एक्सहेलेशन होगा या इवन किडनी का कुछ रोल होगा जिसकी वजह से आ, एक प्रॉपर यूरिन फॉर्मेशन होता है राइट right? या फिर हम बोल सकते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक रोल होता है हर एक ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गन सिस्टम सिस्टम का एक रोल होता है न्यूरॉन्स की अगर बात करें तो न्यूरॉन का, का काम क्या है उनका काम है कम्युनिकेशन राइट सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना उसका प्रोसेसिंग करना एंड फाइनली उसका रिस्पांस देना वो न्यूरो न्यूरो सिस्टम का काम है तो ये जो प्रोसेसिंग हम बोल सकते हैं जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है उसका ही एक पार्ट होता है एंडोक्राइन सिस्टम सिग्नल ट्रांसडक्शन या हम बोल सकते हैं कि सिग्नल को अगर एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना है उसका ही एक आ, हम बोल सकते हैं पार्ट रहता है एनिमल फिजियोलॉजी में जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में सिग्नल कौन से फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल कंपाउंड और केमिकल मैसेजर्स नोन एज हॉर्मोन्स सो हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रियंट ओके हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रियट वो कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवाता है दे आर नॉन न्यूट्रियंट केमिकल मैसेजर्स आर नॉन न्यूट्रिय केमिकल मैसेजर्स रिलीज बाय एंडोक्राइन एंड इन ट्रेस अमाउंट ट्रेस अमाउंट मतलब क्या उनका अगर नैनोग्राम या पिकोग्राम में भी अगर कॉन्सेंट्रेशन होगा तो वो ब्लड सर्कुलेशन में उतना इनफ है इवन नैनोग्राम्स एंड पिकोग्राम्स ऑफ देर कॉन्सेंट्रेशन इज इनफ तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ट्रेस अमाउंट एंड परफॉर्म्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन द टारगेट तो दट इज वॉट हॉर्मोन्स तो यहां पे केमिकल मैसेंजर्स जो रहेंगे जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं तो वैसे ही हमने हम न्यूरोन हम बोल सकते हैं कि नर्वस सिस्टम में या न्यूरल ट्रांसडक्शन में भी एक केमिकल मैसेजर्स होते हैं यूजी जो पर्टिकुलर सिग्नल है वो एक जगह से दूसरे जगह इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जाता है बट बीच में एक पर्टिकुलर केमिकल मीडिएटर्स होते हैं नोन एज न्यूरो राइट तो वहां पे भी वो एक पर्टिकुलर एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं राइट तो रिति शर्मा वहां पर भी, तो भी हम आएंगे उसको हम केमिकली कैसे डिफाइन करेंगे कैसे हमें उसको क्लासिफाई करेंगे तो दीज आर वॉट हॉर्मोन्स ठीक है अब हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से अगर निकल रहे हैं या रिलीज हो रहा है या हम बोल सकते हैं हो रहा है तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है सो दिस एंडोक्राइन आर द स्पेशलाइज टाइप्स ऑफ हम बोल सकते हैं स्पेशलाइज टाइप ऑफ ग्लैंड जो डकटलेस होते हैं जो डायरेक्ट जो उसके सेल्स है वो ग्लैंड के जो सेल्स है जैसे ही सिक्रीट करेंगे ये केमिकल को मतलब कि हॉर्मोन को वो सिक्रीशन के बाद वो तुरंत ही बॉडी फ्लूड में मतलब कि एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्लूड में वो एंटर हो जाएगा और फिर उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएगा इसका मतलब क्या कि जो सेल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड हुए एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ठीक है एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट वाले होते हैं एग्जाम्पल हो गया पेनक्रियास pancreas हो गया या हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल दूसरे क्या है gall bladder हो गया लीवर हो गया ये सब duct वाले ग्लैंड होंगे ठीक है उनका काम भी सिक्रीशन ही है बट उनके पास ducts होती है स्वेट ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड सभी के पास डक्ट होती है बट endocrine ग्लैंड ऐसे है कि जिनके पास duct नहीं होती है वो ऐसे सेल्स या ऐसे कलेक्शन ऑफ सेल्स है विच विल फॉर्म द ग्लैंड जो जैसे ही सिक्रीट करेंगे उनके से जैसे हॉर्मोन या जो केमिकल मैसेजर सिक्रीट होंगे तुरंत ही वो एंटर होंगे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड में और फिर वहां से हम बोल सकते हैं वहां से वो एंटर होंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में और उसके टारगेट तक टारगेट तक पहुंचेंगे ठीक है सेल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो वो क्या करेंगे सिक्रेट करेंगे या रिलीज करेंगे हॉर्मोन को जैसे ही वो हॉर्मोन्स को रिलीज करेंगे दैट विल एंटर वॉट दैट विल एंटर द एक्स्ट्रो सेल्युलर फ्लूड जो सेल्स के बीच में एक्स्ट्रो फ्लूइड फ्लूड है और फाइनली वो डिफ्यूज होंगे फाइनली वो डिफ्यूज होंगे इनटू द ब्लड स्ट्रीम ओके डिफ्यूज इंटू ब्लड स्ट्रीम और फिर ब्लड स्ट्रीम मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ही वो फाइनली अपने टारगेट तक पहुंचेंगे अगर ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर वो सिक्रिट हो रहा है तो फाइनली वो रिलीज uh, होने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने के बाद वो गोनाट्स तक, तक भी पहुंच सकते हैं वो मेमोरी ग्लैंड तक भी पहुंच सकते हैं वो अगर लीवर एंड मसल्स तक पहुंचना है तो वहां भी पहुंच सकते हैं वो ब्लड सॉरी बोन्स में भी पहुंच सकते हैं राइट तो दिस इज वॉट द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या उसका जो मेन हम बोल सकते हैं हाईवे है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आया कि भाई हॉर्मोन्स कौन कौन से टाइप के केमिकल्स होते हैं तो कोई मुझे बता सकता है कौन कौन से टाइप के केमिकल्स होंगे हॉर्मोन्स यस कैन यूनिवन टेल मी कौन कौन से टाइप के केमिकल्स होंगे हॉर्मोन्स आर केमिकली डिफाइंड और डिवाइडेड इनटू क्लासिफाइड इनटू व्हाट केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स यस ओके परविंद ने बोला है अमाइन करेक्ट अमाइन एक टाइप का है गुड इवनिंग राजविंदर अमन शर्मा ने बोला है प्रोटीन सही है वो भी तो देखो हॉर्मोन्स uh, जो है स्टीरोड चलो गायत्री ने भी बोला है, अनिश ने स्टीर बोला है सही है ठीक है तो हॉर्मोन्स जो है उसको हम दो मेन या दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में हम डिवाइड कर सकते हैं यस एवरी वन करेक्ट वेरी गुड स्टीरोड्स या प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स एंजाइम्स को हम एस सच हॉर्मोन्स नहीं बोलते हैं बट दैट इज फाइन चलो दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में हम डिवाइड करेंगे एक होंगे वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स और एक दूसरे होंगे लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन्स ठीक है एक होंगे वाटर सॉल्यूबल हॉर्मोन्स और दूसरे होंगे लिपिड सॉल्यूबल हॉर्मोन्स ठीक है तो लिपिड सोल्यूबल को हम पहले देखते हैं लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन्स अब लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन्स मतलब क्या वो लिपोफिलिक होते हैं हाइड्रोफोबिक so, होंगे इसका मतलब कि उनके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ हाइड्रोफोबिक नेचर का कुछ रहेगा जैसे राइट right? ये पर्टिकुलर हाइड्रोफोबिक नेचर का कुछ ना कुछ केमिकल कंपाउंड रहेगा तो लिपिड सोलिबर हॉर्मोन्स अगेन दो सब क्लासेस में डिवाइडेड है उसको हम बोलेंगे स्टीरोड हॉर्मोन्स स्टीरोड हॉर्मोन्स जो पर्टिकुलरली डिराव होते हैं कोलेस्टेर से ओके डिराइव फ्रॉम कोलेस्टेरॉल मतलब कि उनके सिंथेसिस में सबसे पहला मॉलिक्यूल जो आएगा वो कोलेस्टेरॉल होगा इसलिए उसको स्टीरोड हॉर्मोन्स बोलते हैं उसके एग्जांपल्स क्या क्या रहेंगे स्टीरोड हॉर्मोन्स के देखो ये आपका एक रिविजन जैसा सेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है यहाँ पे बस आपको एक याद ही रखना है यस करेक्ट सोनिया करेक्ट इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन उसके अलावा टेस्टोस्टेरॉन या हम बोल सकते हैं जनरली एंड्रोजन डाईहाइड्रो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टिरोन या इवन uh, एंड्रोस्टीन डायोन राइट ये सारी जो चीजें हैं जिसको हम एंड्रोजेंस में इंक्लूड करेंगे एंड्रोजेंस ये आते हैं स्टीरोड हॉर्मोन्स ठीक है या इवन कॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिकोस्टीरोइड्स जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिको जैसे कि कॉर्टिसोल कॉर्टिसोन राइट वेरी गुड करेक्ट करेक्ट सो कॉर्टिसोल कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स ये जो सारी चीजें है ये आते हैं स्टीरोइड हॉर्मोन्स मतलब डेरिवेशन का बनते कहाँ से है तो बनते हैं कोलेस्टोरॉल में से वैसे ही लिपिड सोल्यूबल में दूसरा सब क्लास है वो है थायरॉयड हॉर्मोन्स अब थायरॉयड हॉर्मोन्स में कौन से दो हार्मोन रहेंगे वो होगा T3 थ्री एंड टी फोर दैट इज ट्राई एंड टेट्रा ओके ट्राई आयोडोथाइरोनिन एंड टेट्रा आयोडो थारोनिन तो ये दोनों थायराइड हार्मोन से, राइट ओके ओके आ, की अगर बात करें कैल्सी ट्रायल आई डोंट थिंक कि उनमें वो पर्टिकुलरली स्टीरोड हार्मोन है क्योंकि कैल्सी ट्राइओल ओल मतलब कि तीन ओएच ग्रुप है जितने ज्यादा ओएच ग्रुप होंगे उतना ही वो Uh, हम बोल सकते हैं वाटर सॉल्युबल होता है ठीक है राइट सो ये T3 T4 में बिकॉज T3 T4 में क्या होगा जनरली दो बेंजीन रिंग्स होंगे डिराइव फ्रॉम टायरोसिन एसिड ठीक है यूजुअली उनके पास दो बेंजीन रिंग होते हैं तो दे आर हाई, हाईली हाइड्रोफोबिक तो इसलिए हम उसको यहाँ पे हम क्लासिफाई करेंगे लिपिड सोल्यूबल के साथ साथ जो दूसरे रहेंगे वो होंगे वाटर सोल्यूबल ठीक है अब वाटर सोल्यूबल में फाइनली हम बोलेंगे वाटर सोल्यूबल में हम बोलेंगे अमाइन हॉर्मोन्स या एमिनो एसिड डिराइव्ड हॉर्मोन्स रहेंगे, रहेंगे राइट अमाइन हॉर्मोन्स मतलब कि डिराइव फ्रॉम एमिनो एसिड्स कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन किया गया है एमिनो एसिड्स पे दे आर डिराइव फ्रॉम एमिनो एसिड्स ओके जिसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन ये किससे बनते हैं ये बनते हैं ट्रिप्टोफेन से ये जो दो हार्मोन है सेरोटोनिन अब सेरोटोनिन को न्यूरो की तरह भी यूज किया जाता है एंड इट इज मोर ऑफ अटर ठीक है फिर हम बोल सकते हैं या बिकॉज़ वी आर यूजिंग द टर्म एंडोक्राइनोलॉजी तो मोर अप्रोप्रिएटली हम उसको बोलेंगे एड्रेनालिन एंड नॉन अगर वो न्यूरोटर की तरह काम करता तो हम एपिनेफ्रीन नॉन बोलते अगर हम उसको हॉर्मोन्स की तरह यूज कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे या हार्मोन के टर्म में उसको अगर हम देख रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे adrenaline, adrenaline. तो ये अगेन टायरोसिन से होगा फिर दूसरा केमिकल मीडिएटर है उसको हम हॉर्मोन के कैटेगरी में भी डाल सकते हैं उसको एक इंफ्लेमेटरी कंपाउंड भी बोल सकते हैं नॉन एज हिस्टामिन जो हिस्टिडिन से डिराइव होता है तो आप देख सकते हो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एमिनो एसिड से ये डिराइव हो रहा है तो उसको हम अमाइन हॉर्मोन्स बोलेंगे ठीक है या एमिनो एसिड डिराइव्ड हॉर्मोन्स बोलेंगे फिर वैसे ही आता है बिकॉज ऑल ऑफ द वॉटर सोलिबल हॉर्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर अमाइन हॉर्मोन्स फिर उसके बाद आएंगे पेप्टाइड हॉर्मोन्स कुछ होंगे जो ऑब्वियसली ऑलिगो पैप्टाइड्स की तरह काम करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल हो गया नोना पेप्टाइड्स नाइन पेप्टाइड का रहता है लाइक एंटी एंटीडायूरेटिक हॉर्मोन एंड ऑक्सीटोसिन ये दोनों है नोनापैप्ट right? चित्र इंसुलिन को कहीं कुछ सोर्सेज में पेप्टाइड हार्मोन बोला गया है कुछ सोर्सेज में प्रोटीन हार्मोन बोला गया है ठीक है आपको एक अच्छे सोर्स में आप देखोगे जैसे टोटोरा या कुछ आ, हम बोल सकते हैं इवन अटन तो वहां पे पेप्टाइड हॉर्मोन्स को डिफाइन कैसे किया गया है पेप्टाइड हॉर्मोन्स को डिफाइन किया गया है द हार्मोन्स विच आर ऑफ साइज फ्रॉम थ्री एमिनो एसिड्स और थ्री रेसिड्यूज टू 49 नाइन रेसिड्यूज राइट अगर थ्री रेसिड्यूज टू 49 नाइन रेसिड्यूज हो गए तो उसको हम बोलेंगे पेप्टाइड हॉर्मोन्स वेरेस कहीं पे आ, हम अगर बोले तो उसको कुछ सोर्सेस में प्रोटीन हार्मोन्स में भी डाला गया है प्रोटीन हारमोन मतलब क्या कि 50 एमिनो एसिड से लेके फाइनली जो भी बड़े से बड़ा मॉलिक्यूल हो राइट right? so, 50 एमिनो एसिड्स या उससे भी बड़ा अगर मॉलिक्यूल हो तो उसको हम बोलेंगे प्रोटीन हारमोन्स में हम उसको ऐड करेंगे जैसे कि ग्रोथ हॉर्मोन 191 एमिनो एसिड्स का होता है या इवन इंसुलिन इंसुलिन ह्यूमन का 51 एमिनो एसिड्स का होता है राइट right? ग्लूकागोन या इवन हम बोल सकते हैं गोनेडो ट्रॉपिन्स जितने भी ट्रॉपिन्स यूजुअली हो गए वो सब तो यहाँ पे ऐसा एस सच ऐसा कुछ नहीं कि इंसुलिन को कहीं पे, पे पेप्टाइड हार्मोन बोला गया है कहीं पे प्रोटीन हार्मोन बोला गया है ठीक है बिकॉज इंसुलिन 51 वन एमिनो एसिड का है तो डिपेंड्स ऑन एस सच कहीं तो पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि अगर उसको हम प्रोटीन हार्मोन बोलेंगे, तो बोलेंगे तो विल बी राइट? या इवन वो वैसा ही है कि भाई माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट को हम एक रेस्टिंग पोटेंशियल माने बट गाइटन जैसी एक बहुत ही बढ़िया बुक है उसमें माइनस नाइनटी मिलीवोल्ट को रेस्टिंग पोटेंशियल दिया गया है ऑल्दो हम भले बहुत ही लोअर क्लासेस में माइनस सिक्सटी और माइनस सेवेंटी मिलीवोल्ट को रेस्टिंग पोटेंशियल मानते हैं तो ये सारी चीजें डजेंट मीन के दे आर पर्टिकुलरली हम बोल सकते हैं कि ना उसी में ही होना चाहिए या कंपल्सरी ऐसा ही होना चाहिए इट्स नॉट लाइक दैट ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो पर्टिकुलरली लिपिड सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल दो अलग अलग केमिकली डिराइव्ड या हम केमिकल केमिकल क्लासिफिकेशन में हम उसको डिवाइड uh, कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पे जैसे हॉर्मोन्स है वो टाइरोसिन से डिराइव हो रहे थे बट वो तो लिपिड सोलबल थे और यहाँ पे एड्रेनालिन नॉन एड्रलिन टायरोसिन से डिराइव दि, हो रहा है बट वो वाटर सोल्यूबल है क्यों क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग होती है बट उसके ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है वो बहुत ही ज्यादा होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एड हो जाते हैं आई गेस तीन चार या उससे भी ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और नॉन एड्र पे और उसकी वजह से वो कंपेरिटिवली वाटर सॉलिबल हो जाता है फिर भले वो टायरोसिन से डिराइव्ड है ठीक है इसमें बेंजीन रिंग एक ही है बट हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा है जिसकी वजह से बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा है इसका मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे इसका मतलब कि वो वाटर सॉलिबल होगा ठीक है एंड uh, वही सेम केस के वही टायरोसिन से अगर थ्री टी फोर पर्टिकुलर रहेगा थ्री टी फोर अगर हम बोले तो वो क्या होगा उसमें दो बेंजिन रिंग्स होते हैं वेरस हाइड्रोक्सेल ग्रुप इतने नहीं होते हैं कंपेरेटिवली बिकॉज वो दो बेंजिन रिंग्स है इसलिए वो ज्यादा हाइड्रोफोबिक हो जाता है रिद्धि आइकोसिनोड है उसको हम टेक्निकली हॉर्मोन्स नहीं बोलेंगे दे आर केमिकल मीडियटर्स बट आइकोस आइकोसिनोड आते हैं इसी में ही वाटर सॉल्युबल में ही आइकोसिनोइड्स आएंगे जैसे एग्जांपल हो गए आइको आइकोसिनोइड्स के एग्जांपल क्या हो गया राइट right? आइकोसिनोइड के एग्जांपल क्या-क्या होंगे आप ही बता दीजिए रिद्धि क्या होंगे आइकोसिनोइड्स के प्रोस्टाग्लैंडिन्स, राइट दे आर टेक्निकली नॉट हॉर्मोन्स जैसे हिस्टामिन एक टेक्निकली हॉर्मोन नहीं है बट ठीक है क्या रहेगा प्रोस्टाग्लैंड हो गए या फिर हम बोल सकते ल्यूकोट्राइन्स हो गए राइट ये सब जो है केमिकल मीडिएटर्स जो इन्फ्लेमेशन के टाइम ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है हिस्टामिन है ये सब ठीक है ओके तो आइकेस आइकोसेनोइड्स भी पर्टिकुलरली वाटर सॉल्युबल में रहेंगे ओके सो so, यहाँ पे हम केमिकली uh, हम देख लिया अब हमें फाइनली देखना है कि ओवरऑल उसका पाथवे क्या रहता है right? उसका पाथवे क्या रहता है हार्मोन का और फिर हम एक एक हार्मोन के बारे में जानेंगे अगेन उतना डिटेल में नहीं जानना है डोंट वरी उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमें टारगेट हमें हमको करना है फॉर द गेट लाइफ साइंसेज ओनली तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके आप मोलिकुलर वेट भी याद रखो या एमिनो एसिड कितना लंबा है वो याद रखो गेट लाइफ साइंस में कभी भी जुअलॉजी के पेपर में इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं वो सिर्फ वर्ड जो रहेगा हार्मोन का वो पूछेंगे और उसका फंक्शन है वो पूछेंगे ठीक है राइट right? तो अभी हम देखते हैं कि पर्टिकुलर पाथवे कहाँ होता है तो कोई मुझे बताएगा कि अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें कहाँ से कोई कोई भी पर्टिकुलर हार्मोन का पाथवे अगर स्टार्ट करना है तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे yes? यस बोलिए राइट सही है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ही होता है विधि बट फिर उतना हमें सेल्युलर लेवल पे नहीं जाना है अगर आप नेट के लिए अगर कर रहे हो तो काफी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सेल्युलर लेवल पे भी पूछे जाते हैं बट उतना हमें यहाँ पे नहीं जाना है एंड इट इज वेरी इजी अगर हम देखा जाए तो ओके okay, मोनालिसा ने सही आंसर दिया है हाइपोथेलेमस से स्टार्ट होता है ठीक है हाइपोथेलेमस इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड उसको हम ग्रैंड मास्टर ग्लैंड बोले या जो भी हम बोले अपने हिसाब से इट इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड सो स्टार्ट कहाँ से होता है जो भी हॉर्मोन का पाथवे है हॉर्मोन का जो पूरा सफर है वो जनरली स्टार्ट होता है हाइपोथेलमस सेमस okay? so से अगर वो स्टार्ट हो रहा है हाइपोथेलमस क्या करेगा मान लो कि ये थेमस के नीचे का जो पर्टिकुलर रीजन है हाइपोथेलमस ये हाइपोथेलमस से एक स्टॉक निकलता है उसको हम इनफंडिब्यूलम बोलेंगे स्टॉक निकलेगा उसको हम बोलेंगे ठीक है इन्फंडिवुलं। और इनफंडिब्युल से दो लोब्स निकलते हैं उसको दो लोब्स को हम बोलेंगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ओके एक हो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा हो जाएगा पर्टिकुलरली पोस्टीरियर पिटरी ठीक है या पिट्यूटरी पिट्यूटरी जो भी आपको बोलना हो पर्टिकुलरली स्टार्ट होता है हाइपोथेलमस से एंड फाइनली वो रेगुलेट करेगा या वो हम बोल सकते हैं कि एक टाइप का सिग्नलिंग देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को तब जाके पिट्यूटरी ग्लैंड जो सात हॉर्मोन्स है उसको वो रिलीज करेगा ठीक है सो हाइपोथेलमस क्या करेगा हाइपोथेलमस विल एक्चुअली सिग्नल द पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड फिल क्या करेगा दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो लोब्स में डिवाइड होता है पूरा हाइपोफाइसिस हाइपोफाइसिस एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस जिसको हम एंटीरियर बोलेंगे और एक होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसको हम पोस्टीरियर बोलेंगे ठीक है यस न्यूरो हाइपोफाइसिस अब ये जो एडिनो एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो दोनों दो दो सब लोकेशन में या सब रीजियंस में डिवाइडेड है एक पर्टिकुलर सब रीजियन जो होता है एडीनो हाइपोफाइसिस का वो सब रीजन को इनफेंडिब्यूलम के अराउंड होता है उसको हम बोलेंगे इनफंडिब्यूलम के अराउंड होता है ये जो ब्लैक स्टॉक आपको दिख रहा है जो हाइपोथेलमस एंड पिट्यूटरी को कनेक्ट कर रहा है उसको हम बोलेंगे इनफंडिब्युलम ठीक है हम बोलेंगे इनफंडिब्यूलम इन के अराउंड एक कनेक्ट होता है हाइपोफाइसिस से उसको हम पार्स ट्यूबरलिस बोलेंगे और दूसरा अगेन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कनेक्ट होता है उसको भी हम पार्स ट्यूबरलिस ही बोलेंगे ठीक है सो इट इज एक्चुअली बोथ ऑफ सेल्स दे आर प्रेजेंट अराउंड द इन and they are pars tuberalis okay known as pars tuberalis ab anterior pituitary mein ek main region hota hai jisko hum bolenge main region hota hai jahan pe सारे hormone secreting cells present है main region है उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको हम pars distalis ठीक है एक मेन रीजन है जिसको हम बोलेंगे पार्स ओके करेक्ट एंड आई एम सॉरी मैं एक्चुअली uh, मैं कमेंट्स uh, अभी देखा राइट एवरी वन करेक्ट एडिनो हाइपोफाइसिस न्यूरो राइट मोनिका ने बोला है श्रद्धा यस पार्स डिस्टलिस सही है एक रीजन होता है जहां पे हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट है एंटीरियर पिट्यूटरी में इसको हम बोलेंगे पार्स डिस्टलिस राइट और पार्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी एक मेन रीजन होता है जहां पे ऐसे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है कि जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं उसको हम बोलेंगे पार्स नर्वोसा ठीक है तो ये दो दो पर्टिकुलर लोब्स है पिट्यूटरी के अब जब कोई बेबी या हम बोल सकते बेबी भी नहीं कोई फीटस जब डेवलप हो रहा होता है मदर्स के बूम में तब एक्चुअली उसके आ, पिट्यूटरी में दो की जगह तीन लोब्स होते हैं और तीसरा लोब है उसको बोलेंगे हम पार्स इंटरमीडिया ठीक है तीन लोब्स होते हैं जो एक्चुअली जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है जैसे जैसे फीटस ज्यादा डेवलप होगा तो वो पार्स इंटरमीडिया एट्रोफी मतलब कि वो धीरे धीरे डिजनरेट हो जाएगा और कुछ पर्टिकुलर सेल्स बच जाएंगे कुछ सेल्स बच जाएंगे या परजिस्ट करेंगे जो फाइनली पार्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में वो परजिस्ट कर जाएंगे उसको हम बोलेंगे पार्स इंटरमीडिया ओके ओके काजल आ, हम ट्राई करेंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइम अवेलेबिलिटी एम एस सी एंट्रेंस के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के भी जो क्वेश्चन है वो भी हम जल्द ही लाएंगे प्रैक्टिस करवाएंगे डी यू के लिए हो गया बी एच यू के लिए हो गया ठीक है सो डोंट वरी इट्स जस्ट कि हमें टाइम अभी थोड़ा हमारे पास कम है ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट होने ही वाले हैं इसलिए ओके राइट सो इन पार्स इंटरमीडिया अब पार्स इंटरमीडिया एक्चुअली तीसरा लोभ होता है बट बिकॉज डेवलपमेंट के टाइम वो धीरे धीरे एट्रोफी मतलब कि डीजनरेट हो जाएगा एंड थोड़े सेल्स वो एंटीरियर पिट्यूटरी में रह जाएंगे पार्स इंटरमीडिया के ठीक है तो यहां पे अभी हम देख रहे हैं अभी कहां से हमने स्टार्ट किया हाइपोथेलेमस से स्टार्ट किया था हाइपोथेलेमस से हम पिट्यूटरी पे पहुंचे अब पिट्यूटरी क्या करता है पिट्यूटरी बिकॉज हाइपोथेलेमस ऐसे पर्टिकुलर आ, हम बोल सकते हैं इनफैक्ट काजल आप आ, हमारा चैनल देखिए उसमें काफी सारे ऑलरेडी प्रीवियस प्रिवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं डी यू जे एन यू और वो सब के लिए भी ठीक है डी यू जे एन यू के लिए भी हमने डिस्कस किए हैं बाकी के हम टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम ले आएंगे, तो आगे। तो आगे। से स्टार्ट किया उसने ऐसे हॉर्मोन्स सिक्रीट करवाया कि जो फाइनली आ, वो भी हम करवाएंगे जल्द ही पिट्यूटरी को सिग्नल देंगे कि कौन कौन से उसको रिलीज करने हैं पिट्यूटरी ने फाइनली क्या किया बिकॉज वो पहले माना जाता था पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड क्योंकि पिट्यूटरी से जो निकलते थे वो फाइनली पूरे बॉडी में जाते थे पिट्यूटरी से जो भी हार्मोन निकलते थे वो कहीं ना कहीं पूरे बॉडी में हर एक जगह पे कुछ ना कुछ एक्ट या हम बोल सकते फिजियोलॉजिकल चेंजेस करते थे बट फिर पता चला कि एक्चुअली हाइपोथैलेमस तो मास्टर ग्लैंड को वो कंट्रोल करता है तो द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड इज क्या होगा पिट्यूटरी से फाइनली कुछ ना कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे ओके कुछ ना कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे पिट्यूटरी से और ओवरऑल सेवन हार्मोन्स रिलीज होता है पिट्यूटरी से मतलब कि दोनों मिला के कौन कौन से एंटीरियर एंड पोस्टीरियर को मिला के so, यहाँ पे कुछ ना कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे एग्जाम्पल सिर्फ अभी एंड फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन तो फिर उनका आगे टारगेट क्या होता था तो उनका टारगेट होता था एंडोक्राइन ग्लैंड लाइक टेस्टिस एंड एंडोक्राइन ग्लैंड लाइक टेस्टिस एंड वर्ड टेस्टिस एंड ओवरी राइट सॉरी हाँ, एंडोग्राइन या गोनेड्स लाइक टेस्टिस एंड ओवरी फिर दूसरे एक रहते थे मान लो कि प्रोलैक्टिन रिलीज कर रहा है तो प्रोलैक्टिन भी मेमोरी uh, ग्लैंड पे इफेक्ट कर रहा था प्रोलैक्टिन फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं कि भाई आ, वो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रिलीज कर रहा है तो फिर वो जाके एक एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिम्युलेट कर रहा था मतलब रिलीज हो रहा था ब्रेन के अंदर बट वो फाइनली ब्लड स्ट्रीम में एंटर होके फाइनली वो उसका टारगेट क्या था तो एड्रीनल उसका टारगेट था या इवन ग्रोथ हार्मोन याच जी एच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है उसका भी पर्टिकुलर बोन्स एंड मसल्स टारगेट रहेंगे या इवन हम बोल सकते हैं पर्टिकुलरली थारॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जिसको हम क्या बोलेंगे राइट ट्रॉपिन्स मतलब स्टिमुलेट करवाना किसी चीज को तो ट्रॉपिन्स होंगे करेक्ट तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है साथो के साथो देख लेंगे बाद में ऑक्सीटोसिन भी है हार्मोन भी है सब देख लेंगे हम ठीक है ओके okay. तो फाइनली जैसे अब मान लो कि गोनेडोट्रोपिन्स कहाँ गोनेडोट्रोपिन्स का टारगेट क्या होगा गोनेड्स होगा जैसे कि टेस्टिस एंड ओवरी तो फिर ओवरी एंड टेस्टिस में जब वो अगर उसको वो टारगेट करेंगे तो वो और दूसरे हारमोन्स को स्टिमुलेट करवाएंगे उसके सिंथेसिस को जैसे कि यहाँ पे प्रोजेस्टेरिस्ट्रोजन को या इवन टेस्टोस्टिरोन को वो स्टिमुलेट करवाएगा राइट right? प्रोजेस्टेन टेस्टोस्टिरोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रोल की बात करें तो प्रोल तो ठीक है मेमोरी ग्लैंड्स में वो मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर वर्क करता था तो वहां पे कोई हार्मोन रिलीज नहीं होगा बट वो एक्चुअली मिल्क सिंथेसिस के लिए होता है एड्रीनोकॉटिकोट्रॉपिक ले लो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिर्फ अभी एग्जाम्पल ही मैं दे रहा हूं धीरे धीरे हम हर एक पे आएंगे ठीक है उसके बारे में भी बात करेंगे हम चित्रा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक तो उसके फिर एक पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड रहता था जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं तो एड्रीनल कॉर्टेक्स फिर क्या रिलीज करेगा तो वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरोलोकॉर्टिकॉयड रिलीज करेंगे

Adrenal cortex से रिलीज होने वाले ग्लूकोटिकॉइडो का अलग होगा का कुछ अलग इफेक्ट होगा करेक्ट तो ये चीजें पे हम बोल सकते हैं कि ये pathway होता है हाइपोथैलेमस फिर आता है uh, particular pituitary, and फिर आता है उसका एंडोक्राइन ग्लैंड अगर कोई पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड होगा लाइक ओवर ग्लैंड या हम बोल सकते हैं पर्टिकुलरली uh, दूसरा कोई भी अगर एंडोक्राइन ग्लैंड हो तो सो दैट इज नोन एस ओवरी एंडोक्राइन ग्लैंड ठीक है सॉरी right. okay, uh, मैं वापस uh, यहाँ पे देख नहीं रहा हूँ मोनालिसा ने क्वेश्चन पूछा है स्ट्रेस हॉर्मोन मेडुलर से या कॉर्टेक् रिलीज होता है देखो ये सब हम देखेंगे कॉर्टेक्स से रिलीज होगा और स्ट्रेस हॉर्मोन जो कॉर्टिस है वो कॉर्टेक्स के भी एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा वो जोना फेसिकुलेटा से रिलीज होगा कॉर्टेक्स के तीन लेयर्स होते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा जोना जोना रेटिकुलरिस उसमें से वो पर्टिकुलरली हम बोल सकते हैं कि वो आ, उसमें जोना फेसिकुलेटा से रिलीज होता है ठीक है वो हम देखेंगे उस पर भी हम सब आएंगे सो डोंट वरी जैसे ही हम उस उसपे पहुंचेंगे धीरे धीरे हम एडल ग्लैंड पे पहुंचेंगे तो उसमें भी हम सब देख लेंगे ओके अभी तो हम हाइपोथेलमस और पिट्यूटरी अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट ही दिख रहा है ठीक है सो so, अब हाइपोथेलमस और पिट्यूटरी के बारे में हम पहले फोकस करते हैं आज के सेशन में और फिर बाकी के जो अ दूसरे ग्लैंड रहेंगे एंडोग्रैंड ग्लैंड उसके बारे में हम बाद में देखते हैं ठीक है सो so, हाइपोथेलमस एंड पिट्यूटरी के कौन कौन से हॉर्मोन्स बिकॉज दे आर द मास्टर एंड द ग्रांड मास्टर ग्लैंड So, कौन कौन से हॉर्मोन्स है वो हम देखते हैं ठीक है सो स्टार्टिंग फ्रॉम द हाइपोथेलमस एंड पिट्यूटरी हाइपोथेलमस एंड फिर उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के भी हम देख लेंगे कि कौन कौन से हॉर्मोन्स होंगे ठीक है फिर नेक्स्ट सेशन में हम उसके रिलेटेड जो भी कुछ थोड़े बहुत गेट लाइफ साइंस में क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट सेशन सो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात करते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम द हाइपोथेलमस तो जैसे चित्र ने बोला यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है देखो पोस्टीरियर एंटीरियर हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम होता है पोस्टीरियर के लिए हम बोल सकते हैं हाइपोथेलमिक हाइपोफाइजियल ओके हाइपोथेलेमिक हाइपोफाइजियल सिस्टम तो वो हम बात करते हैं उसकी तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जब पोर्टल सिस्टम वर्ड यूज होता है तो पोर्टल सिस्टम क्या है पोर्टल सिस्टम मतलब जो नॉर्मल सर्कुलेटरी रूट होना चाहिए उससे वो कुछ अलग रूट बताता है उसको हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं ठीक है जैसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम हो गया वैसे ही यहाँ पे एक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है इसके बारे में हम बात करते हैं सो टॉकिंग अबाउट अगेन हाइपोथेलेमस द इन फंडिबुलम को मैं जस्ट ऐसे ही यहाँ पे आ, ऐसे हाईलाइट कर रहा हूं इन को एंड देन द पर्टिकुलर एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर सिस्टम ठीक है हाइपोथेलमस कंजिस्ट ऑफ ऑब्वियसली न्यूरो न्यूरोन का यहाँ पे जो नेटवर्क न्यूरोन का नेटवर्क या न्यूरोन का एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं ठीक है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस महेंद्र ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगी सिक्सटीन से करेक्ट 16 से परसों से ऑफलाइन मैच स्टार्ट हो रही है ओके सो आई सेइंग हाइपोथैलेमस में जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स न्यूरो न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं ठीक है तो वो जो न्यूक्लियस है अगर ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होगा तो न्यूक्लियस बोलेंगे अगर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होगा तो उसको ganglions बोलेंगे बट यहाँ पे हम न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियाई वर्ड यूज न्यूक्लियस या न्यूक्आई वर्ड यूज करते हैं तो जैसे कुछ न्यूक्लियाई हो गए जैसे कि ऑप्टिक काजमा ये एक न्यूक्लिया है ठीक है तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर न्यू न्यूक्लिया होते हैं या न्यूक्लियस होते हैं उनका काम है हॉर्मोन को ये न्यूरॉन्स है जिसका काम है हॉर्मोन को सिंथेसाइज करना और वहां पे स्टोर करके रखना जब भी उनको सिग्नल मिलेगा तो वो न्यूरो जगह हॉर्मोन सिक्रेट करेंगे ओके तो वो कहां पे होते? वो पे प्रेजेंट प्रेजेंट होते होते हैं हैं कुछ यहां पे ओके वो प्रेजेंट होते हैं यहां पे ये पर्टिकुलर जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ही मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे ये जो न्यूरॉन्स है न्यूरोन्स न्यूरॉन्स का, का काम क्या है हार्मोन को सिंथेसाइज करवाना और उसके एक्जोन टर्मिनल पे स्टोर करके रखना जैसे न्यूरो स्टोर होते हैं वैसे ही यहाँ पे ये न्यूरॉन्स जो न्यूक्लिया के न्यूरो है वो स्टोर करेंगे हॉर्मोन्स को जैसे ही उनको पर्टिकुलर सिग्नल मिलेगा तो वो रिलीज करेंगे हॉर्मोन्स को फ्रॉम द एक्न टर्मिनल अब वो रिलीज होके जाते कहाँ हैं तो वो एक पर्टिकुलर पोर्टल सिस्टम में जाता है क्यों क्योंकि हमने पहले ही बात की थी पहले हमने क्या बात की थी कि जैसे ये सेल्स जैसे होते हैं कि सेल्स जैसे सिक्रीड करेंगे तो वो अपने एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड के साथ साथ वो तुरंत ही ब्लड स्ट्रीम में एंटर होंगे ये हॉर्मोन्स ऐसे हैं कि वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर होंगे इसका मतलब क्या हुआ कि यहां कहीं पे ब्लड स्ट्रीम प्रेजेंट होनी चाहिए ठीक है यहां कहीं पे ब्लड स्ट्रीम प्रेजेंट होनी चाहिए तो ये ब्लड स्ट्रीम प्रेजेंट होती है हाइपोथेलमस के ऊपर मतलब कि ये जो पर्टिकुलर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है वहां पे वो प्रेजेंट होती है और ये ब्लड स्ट्रीम फाइनली पहुंचती है कहां पे? कहां पे पे वो ब्लड स्ट्रीम पहुंचती है एंटीरियर पिट्यूटरी पे ठीक है तो मैं वापस ये लिख देता हूं दिस इज एंटीरियर पिट्युटरी एडीनोहाइपोफाइसिस एंड दिस इज पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोथेलमस की ओके महेंद्र ने पूछा है फीस कितनी है ऑफलाइन बैच का महेंद्र आप हमारे आई एफ एस ऑनलाइन डॉट कॉम पे वेबसाइट पे आप जाके पर्टिकुलरली वहां पे क्लासरूम कोचिंग में विजिट करिए वो जो डैशबोर्ड पे क्लासरूम कोचिंग लिखा होगा वहां पे आप विजिट करिए वहां पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी क्या टाइमिंग रहेगा या फिर क्या पर्टिकुलर पुणे बैच में सिक्सटीन से स्टार्ट होगा राइट आप आईएफएस ऑनलाइन में जाइए या तो फिर यहाँ पे देखो आपको नंबर भी मिल गया है आप फोन नंबर यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट पे कॉल कर सकते हो डिटेल्स के लिए ओके राइट सो एज आई वॉज से पर्टिकुलरली हाइपोथैलेमस से हम एंटीरियर पिट्यूटरी की अभी तक बात कर रहे हैं तो हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या क्या पर्टिकुलर कनेक्शन किसके थ्रू होगा तो एक पर्टिकुलर कनेक्शन होगा एक पोर्टल सिस्टम के थ्रू और ये पोर्टल सिस्टम को हम बोलते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम ठीक है हम इसको बोलेंगे हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम ओके हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनली जो हाइपोथैलेमस से जो हॉर्मोन्स है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर होंगे और ब्लड स्ट्रीम मतलब कि हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम में एंटर होंगे और एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स तक पहुंचेंगे के के होते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स को वो कुछ ना कुछ सिग्नल देंगे तो ये जनरेट कर या वो जनरेट कर कोई भी पर्टिकुलर हॉर्मोन का तो सिंथेसिस करवा ठीक है तो ये हाइपोथेलमस से होता है हाइपोथेलमस अब हाइपोथेलेमस से एक दूसरा कनेक्शन जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस को दूसरा कनेक्शन जाता है को, बट वो कनेक्शन ब्लड सिस्टम के थ्रू नहीं होता है वो कनेक्शन डायरेक्टली लॉन्ग न्यूरॉन के थ्रू होता है जिसको हम हाइपोथेलमिक हाइपोफाइजियल न्यूरॉन बोलेंगे ठीक है ऐसे पर्टिकुलर वो जिनका कनेक्शन ही यहाँ पे डायरेक्ट जाता है इंटरनली इनफंडुल के थ्रू ही जाता है वो इंटरनली बाकी जो दूसरा यहां पे था वो एक्सटर्नली था कि एक एक्सटर्नली पोर्टल सिस्टम आती थी तो so, यहाँ पे ये यह इंटरनली ही पर्टिकुलर जाएंगे इसको हम बोलेंगे हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल हाइपोफाइजियल न्यूरॉन्स ठीक है ये ऐसे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है जो आ, क्या सिकरेट करवाते हैं कोई मुझे बोल सकता है मेरा क्वेश्चन है कि ये जो हाईपो हाईपो वो क्या न्यूरोट करेंगे यस बोलिए क्या सिक्रेट करेंगे वो हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल न्यूरॉन्स मैंने एंटीरियर पिट्यूटरी के टाइम क्या बोला था एंटीरियर पिट्यूटरी के टाइम एक पोर्टल सिस्टम मतलब वेन्स होते हैं लिटरली वो वेन्स होते हैं से वो वेन्स बनते हैं जहां वेन्स फाइनली पहुंचते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे वेर इज हाइपोथेलेमिक हाइपोफाइजियल में क्या रहेगा न्यूरॉन्स डायरेक्टली पहुंचेंगे यस yes, करेक्ट एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन वेरी गुड करेक्ट तो यहाँ पे दो ऐसे हॉर्मोन्स है तो अब आप टेक्निकली देखो टेक्निकली न्यूरोहाइपोफाइसिस उसको सिक्रिट नहीं करवा रहा सिक्रिट कौन करवा रहा है टेक्निकली सिक्रिट करवा रहा है हाइपोथेलेमस का सेल हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन ही सिक्रिट करवा रहा है ठीक है एडीएच एन ऑक्सीटोसिन बट रिलीज कौन करवाएगा तो रिलीज फाइनली न्यूरोहाइपोफाइसिस से होता है ठीक है वहां पे स्टोर होगा सीक्रिट uh, या सिंथेसिस होगा, होगा कहा सॉरी सिंथेसिस होगा कहां से हाइपोथैलेमस से बट स्टोर और रिलीज कौन करवाएगा न्यूरोहाइपोफाइसिस ठीक है तो ये दो हॉर्मोन्स होते हैं कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं तो हमने बात कर ली हाइपोथेलमस की अब वो कौन कौन से पर्टिकुलर कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं uh, के कुछ हम देख लेते हैं यस करेक्ट ये जो हॉर्मोन्स है ये हॉर्मोन सिंथेसाइज होने के बाद पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं जब जरूरत होगी तब वो फाइनली रिलीज होगा ठीक है एंटीरियर का तो क्या है एंटीरियर तो खुद हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन से उसको सिग्नल देंगे कब रिलीज होना है या कब उसको स्टॉप करवाना है ठीक है तो एग्जाम्पल अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस के कौन कौन से रिलीज होता है तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ठीक है इसको हम बोलेंगे जी एच आर एच वैसे ही ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है तो इसका काम क्या है जी एच आई एच तो रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन दोनों का काम क्या है रिलीज रिलीज का काम है कि जैसे हाइपोथैलेमस ये जी एच आर एच रिलीज करेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो सोमेटोट्रोपिक सेल्स है उसको वो उसको वो क्या करेगा उसको फाइनली ऐसा सिग्नल देगा कि तू ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवा सिंथेसाइज एंड रिलीज करवा एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करवाएगा भाई एक अगर एक पॉजिटिव सिग्नल आया है तो एक ब्रेक भी लगनी चाहिए ऐसा नहीं कि भाई ग्रोथ हार्मोन कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा तो एक ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी होना चाहिए राइट सिमिलरली दूसरा भी है कि कॉल्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मतलब कि वो कॉर्टिकोट्रोपिन को रिलीज करवाएगा पिट्यूटरी से वो खुद कहां से उसका सोर्स कहां है हाइपोथैलेमस से बट वो सिग्नल किसको दे रहा है वो सिग्नल दे रहा है या स्टिमुलेशन सिग्नल दे रहा है किसको पिट्यूटरी को एंटीरियर पिट्यूटरी को ठीक है एंटीरियर पिट्यूटरी को दे रहा है देखो अश्वनी आनंद ने सब बोल दिया वेरी गुड कॉर्टिकोट्रोपिंग रिलीजिंग हॉर्मोन ठीक है ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हो गया सीआरएच मतलब कि वो क्या रिलीज करवाएगा वो किसका सिग्नल देगा तो वो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हॉर्मोन को रिलीज करवाने का सिग्नल देगा पिट्यूटरी से मतलब ये एक रिले की तरह काम कर रहा है रिले की तरह एक देगा दूसरे को एक या हम बोल सकते हैं कास्केट की तरह काम कर रहा है एक देगा दूसरे को दूसरे देगा तीसरे को, को राइट फिर एक दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे बोल ही दिया है जिसको हम बोलेंगे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन राइट थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन टी आर एच टी आर एच का काम क्या है उसका काम है एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH को आ, हम बोल सकते हैं TSH को स्टिम्यूलेट करवाना या उसको रिलीज करवाना राइट right? ये सारी चीजें करेक्ट परवीन ने बोला है सोमेटोस्टेटिन सोमेटोस्टेटिन ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन का दूसरा नाम है सोमेटोस्टेटिन ओके okay? ठीक है, फिर ये कुछ एग्जांपल्स जैसे मैंने बोले कि ये हो सकता है या इवन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन जी एन आर एच जिसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन जी एन आर एच मतलब कि वो गोनेडोट्रोपिन मतलब कि एल एच एन एफ एस एच लुटेनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हारमोन को रिलीज करवाएगा कहां से एंटीरियर पिट्यूटरी से तो ये सिग्नल कि स्टॉप होना या अह स्टार्ट होना या स्टिमुलेट होना ये सिग्नल पिट्यूटरी को मिलता है एक्चुअली हाइपोथैलेमस से एंड दैट इज थ्रू द पोर्टल वेन सॉरी हाइपोफाइज़ियल पोर्टल वेन ओके हाइपोफाइज़ियल पोर्टल वेन चित्रा जन में जैसे मैंने बोला कि एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन स्टोर नहीं होता है एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होगा ये हाइपोथेलमस के जो पर्टिकुलर हॉर्मोन्स है वो हॉर्मोन्स उसको सिग्नल देंगे कि कब उसको डायरेक्ट सिक्रिट करवाना है या कब उसको इनहिबिट करवाना है ठीक है या तो सिक्रेट करवाना है या इनहिबिट करवाना है वो डायरेक्टली ही देंगे और वो इमीडिएट इफेक्ट होता है वहां पे एंटीरियर पिट्यूटरी में स्टोर नहीं होता है स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एडिनो हाइपोफाइसिस में क्या होगा बिकॉज सिग्नल ही उसको डायरेक्टली मिल रहा है हाइपोथैलेमस uh, से थ्रू द पोर्टल सिस्टम तो वहां पे इमीडिएट इफेक्ट होगा तुरंत ही वो रिलीज करवाएगा या इनहिबिट करवाएगा ठीक है तो ये कुछ पर्टिकुलर हॉर्मोन्स होता है हाइपोथैलेमस के राइट वैसे ही हम अगर बात करें पर्टिकुलर uh, के बाद पिट्यूटरी हॉर्मोन्स की तो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स में सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज होंगे ठीक है कौन कौन से हम आ, बोल सकते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज होंगे और एडिनो हाइपोफाइसिस में भी कौन से ऐसे है कि जो रीजन जैसे मैंने बोला पार्स डिस्टलिस कौन से ऐसे है कि जो पार्स डिस्टलिस में जो सेल्स प्रेजेंट है देर आर फाइव डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स जैसे सेल्स या सोमेटोट्रोपिक सेल्स राइट या आ, हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलरली लेक्टोट्रोपिक सेल्स या पर्टिकुलर ऐसे होंगे कि जो हॉर्मोन सीक्रेट करवाएंगे तो ओवरऑल पीट्यूटरी सेवन हॉर्मोन्स रिलीज होता है ठीक है तो उसके बारे में हम बात करते हैं तो एडिनो एडीनोहैपोफाइसिस पास में से पहला हॉर्मोन हम अगर बात करेंगे तो पहला हॉर्मोन होगा ग्रोथ हॉर्मोन तो ग्रोथ हॉर्मोन का काम क्या है उसका टारगेट क्या है तो जैसे मैंने बोला आपको उसका सोर्स कोई भी हॉर्मोन हो गया हॉर्मोन का सोर्स हॉर्मोन का टारगेट और उसका फंक्शन ये तीन चीजें पता होनी चाहिए ये लेवल पे एटलीस्ट अगर मैं बात करूं एट द लेवल ऑफ गेट लाइफ साइंस ठीक है तीन चीजें पता होनी चाहिए क्या उसका सोर्स उसका टारगेट एंड फंक्शन और अगर हम नेट लेवल पे बोले तो उसका डिसऑर्डर के बारे में भी हम जान सकते हैं ओके ठीक है अश्वनी ने बोला है ग्रोथ हार्मोन एड्रीनोकॉटिकोट्रोपिक ल्यूटेनाइजिंग फॉलिकल थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन पांच हो गए और बाकी के दो कितने होंगे बाकी के दो रहेंगे ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन करेक्ट तो ये हो जाएगा सेवन हॉर्मोन्स तो उसी के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का टारगेट क्या रहेगा तो ग्रोथ हार्मोन का टारगेट रहेगा बोन्स हो गया ठीक है इवन कभी कभी मसल्स पे भी मसल्स ग्रोथ में भी वो यूजुअली हेल्प करेगा या इवन हम बोल सकते हैं टिश्यूज में भी वो हेल्प करेगा ओके okay? मतलब कि टिश्यू का वो टारगेट रहता है तो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन एज द नेम सजेस्ट पर्टिकुलरली uh, एक तो सेल डिवीजन एक्टिविटी बढ़ाता है बोन्स में और उसके साथ साथ वो कुछ ना कुछ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी वो इन्वॉल्व है ठीक है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी वो इन्वॉल्व है तो ग्रोथ हार्मोन का काम है एक तो बॉडी साइज बढ़ाना ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी वो इन्वॉल्व uh, रहता है एंड ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही हम जो बोलते हैं कि हाइट बढ़ती है ठीक है हाइट जो बढ़ती है बिकॉज बोन्स में वो डिवीजन एक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है ओके okay? अब यहां पे अगर उसके रिलेटेड हम डिसऑर्डर्स बोले डिसऑर्डर्स अगर बोले तो ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड मेनली चार डिसऑर्डर्स है चार मेन डिसऑर्डर्स है ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड एक हो एक का नाम है एक्रोमाइक्रिया, दूसरे का नाम है डॉर्फिज्म तीसरे का नाम है एक्रोमेगली और चौथे का नाम है जैगेंटिज्म ठीक है तो यहां पे ग्रोथ हार्मोन अब हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है इवन इतने सारे जो हार्मोन्स अगर हम देखेंगे हर एक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में या इवन मेटाबॉलिज्म में तो एक्रोमाइक्रिया या ड्वार्फिज्म वो ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन की वजह से होगा अगर डेफिशिएंसी या हो ग्रोथ हार्मोन के हाइपो